आदरणीय शरद जी का जाना भाई मेरे लिए एक बहुत व्यक्तिगत क्षति है। आज मुझे वही पीड़ा हो रही है जिसका एहसास मुझे पापा के जाने के बाद हुआ था। उनके साथ जो हम लोग के संबंध थे, मैं आपको ईमानदारी से बोल रहा हूँ, मुझे उनके साथ की कोई राजनीतिक यादें ही नहीं हैं, सिर्फ पारिवारिक यादें हैं कि कैसे मैं एक बच्चे के तौर पर उनकी गोद में खेलता था, उनके परिवार के साथ, उनकी बेटियाँ, उनके बेटे शांतनु, हम सब भाई बहनों की तरह कैसे एक साथ एक घर में खेलते थे, कूदते थे, यही तमाम यादें हैं मेरी उनके साथ। लेकिन अंतिम समय में जो हुआ उनके साथ गलत था, जिस तरीके से उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से हटना पड़ा, जिस तरीके से उनके खिलाफ बयानबाजी हुई, उनको आप कैसे देखते हैं? अंतिम दिनों में जिस तरीके से, और वही है भाई, आज बहुत से लोग आएंगे, उनके बारे में बड़ी बड़ी बातें कहेंगे, आंसू बहाएंगे, पर ये लोग उस वक्त कहाँ थे जब वो अपने जीवन के अंतिम दौर में सबसे विपरीत परिस्थितियों से गुजर रहे थे। किस तरीके से उनको घर खाली करना पड़ा, 7-7 बार के सांसद, लोकसभा के 2-2 बार, राज्यसभा से रहे, मंत्रिमंडल में रहे, बड़े बड़े मंत्रालयों की जिम्मेदारी उन्होंने संभाली, और देश के शोषित वंचित पिछड़ा वर्ग से आने वाले लोगों की बुलंद आवाज़, जिस तरीके से समाजवाद की वो एक बुलंद आवाज़ रहे, छात्र आंदोलन से निकले, कोई ऐसा लड़ाई नहीं होगी जिसमें उन्होंने बढ़ चढ़ कर अपना योगदान नहीं दिया, और अपने अंतिम दिनों में किस परिस्थिति में वो रहे, उनके घर को खाली कराया गया, आज वही तमाम लोग जो उनके बारे में बड़ी बातें कर रहे हैं, पर थे कहाँ उस वक्त उनका साथ देने के लिए। भाई मैं किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराऊंगा इसको लेकर, पर हाँ हकीकत है, हर कोई जानता है भाई किस तरीके से उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से, जनता दल यूनाइटेड से हटाया गया, कैसे रातों रात उनकी कुर्सी को छीना गया अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं को साधने के लिए, ये किसी से नहीं छुपा है।